नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। हथीगवां थाना क्षेत्र के कंधई कपूरवा मोहम्मदी नगर में बृहस्पतिवार की रात एएसपी पश्चिमी दिनेश चंद्र द्विवेदी की अगुवाई में सीओ जितेंद्र सिंह परिहार व स्वाट टीम के अलावा भारी संख्या में पुलिस फोर्स ने छापा मारा। गांव के राहुल यादव के घर से हिमाचल की बनी अवैध शराब की 211 पेटियां बरामद हुई। वहीं इसी घर से कुछ दूर पर भारत लाल के मकान से ड्रम में भरी 205 लीटर स्प्रिट, 130,000 ढक्कन, 40,000 खाली बोतल, 125,000 रैपर बारकोड वाले 248 रोल, 2 रोल टेप, 90 पेटियां खाली गत्ते, 4 बोतल एसेंस यानी रंगीन शराब बनाने वाले केमिकल, 2 ढक्कन पंच मशीन, 5 खाली ड्रम व एक मैजिक गाड़ी बरामद हुई। गुंडा सर्किल में करीब 22 लाख कीमत की 298 पेटी अवैध शराब इसमें बरामद हुई है। इसमें मोस्टली इंग्लिश ब्रांड की शराब है जो कि विभिन्न जगहों के लिए, हरियाणा के लिए और दूसरे जगहों के लिए उनका वो था, मार्क थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो रिकवरी हुई है। और एक बीडीसी जो है राजेश सरोज और वहाँ पे लोकल शराब माफिया है गुड्डू सिंह, उनका नाम प्रकाश में आया है। उनके खिलाफ हम लोगों ने संगीन धाराओं में मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है। और इसमें ये बात प्रकाश में आई है कि कुछ अपरिचित शराब भी इसमें से, इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी करके और गैंगस्टर एक्ट में हम लोग इसमें कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी राहुल यादव भाग निकला। पुलिस 4 महिलाओं समेत 9 लोगों को हिरासत में लेकर थाने आई। हथीगामा थाना क्षेत्र के नौवस्था झाझा मऊ में शराब माफियाओं के गोदाम में भारी मात्रा में अवैध शराब की जानकारी मिलने पर एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश पहुंच गए। गौशाला के पीछे बने गोदाम व आसपास जेसीबी लगाकर खुदाई शुरू कराई गई। शुक्रवार देर रात तक खुदाई के दौरान गोदाम व आसपास मिलावटी शराब बनाने में प्रयुक्त रेक्टिफाइड स्प्रिट से भरे ड्रम मिल रहे थे। एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने लापरवाही बरतने पर हलका दरोगा व सिपाही को निलंबित कर दिया। पूर्व में थाना अध्यक्ष रहे उदय त्रिपाठी के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी। प्रयागराज मंडल प्रभारी धनंजय प्रजापति की रिपोर्ट।